आमतौर पर इलेक्ट्रीशियन का काम पुरुषों का कहा जाता है, लेकिन अहमदाबाद की महिलाएं अब चकला बेलन छोड़ हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रही हैं। इलेक्ट्रीशियन वैसे कोई लड़कियां करती हैं नहीं, ओनली ऑफ लड़के को ही देखा है कि कुछ भी हुआ हो तो लड़के आते हैं, बट ये नया यूनिक थॉट है कि यहाँ लड़कियां भी सीखती और लड़कियां भी करेगी। इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ने जो हम यहाँ पे आए थे वो मैम ने भी हमें समझाया, उन्हें भी हमें हमारी प्रॉब्लम बताई हमने कि ऐसा हो चुका है। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप ये कर सकती हो, इसीलिए हमें मोटिवेशन हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी सिस्टर को साथ देती हूँ कि हाँ हम दो, तू अकेली नहीं करेगी, मैं भी तेरा साथ दूंगी, अपने साथ में करेंगे और कुछ आगे करेंगे। पहले तो मुझे ये मना कर गए कि लड़के करते हैं ये काम, लड़कियाँ कैसे कर सकती है। फिर मैंने आवाज़ उठाई, मैं तो क्यों नहीं कर सकती, आज चांद पर पहुँची है लड़कियाँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं इलेक्ट्रीशियन क्यों नहीं सीख सकती। इलेक्ट्रीशियन का काम सीखने वाली महिलाओं के जीवन में कठिनाइयाँ तो काफ़ी हैं, लेकिन डटकर सामना कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं ये महिलाएं और आत्मनिर्भर अपना जीवन बना रही हैं। मैं यहाँ ये सोच के आई हूँ कि कुछ करूँगी या अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्प कर सकूँगी या अपने लिए भी कुछ कर सकूँगी, किसी पे निर्भर नहीं होने पड़ेगा। इसलिए ना ऐसा नहीं है, ये लड़के भी कर सकती है। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि ये सब लड़के ही कर सकते, ऐसा नहीं होता है, लड़की भी कर सकती है। इन महिलाओं को देखकर एक बात जरूर याद आती है, तोड़ के पिंजरा में उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशे, फिर भी मैं आसमान में जगह बनाऊंगी। खुद के परिवारों में उजियारा करने वाली महिलाएं अपने काम के जरिए लोगों के घरों में रोशनी लाने का काम करेंगी। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम हम करने जाएं तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ठीक इन लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ। परिवार के लोगों को इस काम के लिए मनाने में इन बच्चियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों हम महिलाओं को खाली सिलाई सिखाते हैं या क्यों हम महिलाओं को खाली ब्यूटी पार्लर सिखाते हैं, क्या महिला कुछ और नहीं कर सकती? तो उनको भी एक नई आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो ये सोच लेकर साथ ने ये पूरा NTL प्रोग्राम शुरू किया था। अगर मैं पहले की बात करूँ तो वो बहुत कठिन था। जब हम पहली बार स्टार्ट करके पैम्पलेट लेके गली गली घूम रहे थे स्लम एरिया में, तो इतना रिस्पांस नहीं मिला था, क्योंकि सब बहने ही ऐसा रिएक्ट करते थे कि ये हमारा काम थोड़ी है, हमारे लिए तो सिलाई का कुछ बताओ आप, ब्यूटी पार्लर का बताओ। तब उनका बहुत हमको काउंसलिंग करना पड़ा। बहन मान जाती थी तो फैमिली वाले नहीं मानते थे, फैमिली वाले कहीं अच्छा सपोर्ट देते तो बहन नहीं मानती थी, यानी दोनों का हमको बहुत अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ता था, तब जाके वो हमारे साथ जुड़ते थे। पहला मुझे याद है, पहला हमारा जो बैच था वो सिर्फ 5 बहनों का था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, तो मुश्किल से 5 बहनें हम उनमें जोड़ पाए थे। पर उन्हीं 5 बहनों को देखकर उसी एरिया की मेघाणी नगर में हमने स्टार्ट किया था, तो उसी एरिया में दूसरी भी महिलाएं हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ी हैं। इन महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाले लोग भी सामाजिक विचारधारा को बदलकर महिलाओं के लिए समाज में नई जगह बना रहे हैं। नियति त्रिवेदी, गुजरात तक।